आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित इफ्को के चेयरमैन और मेरे मित्र श्रीमान दिलीप सांगाणी जी, मेरे साथी और सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी, जिन्होंने इफ्को के दोनों आविष्कार इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड और यूरिया, ये दोनों के लिए अथक परिश्रम किया है, ऐसे डॉक्टर यूएस अवस्थी प्रबंध निदेशक इफ्को, इफ्को के उपाध्यक्ष महोदय, इफ्को के बोर्ड के सभी सदस्यगण और इफ्को परिवार के सभी साथी और इफ्को की जान ऐसे देश भर में फैले हुए किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक युग परिवर्तनकारी शुरुआत के लिए मुझे इफ्को के अध्यक्ष महोदय ने निमंत्रित किया है। अनेक रूप में आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सहकारी समितियां जो बनी है, सफल है, वो अपने तय सांचे से, तय ढांचे से बाहर निकलते हुए अनुसंधान और नए नए क्षेत्रों के में पदार्पण के दृष्टि से आज इफ्को सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है, ये अभिनंदन। दूसरा, आज का ये लिक्विड डीएपी नैनो का इफ्को का प्रोडक्ट का लॉन्चिंग, ये फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। तीसरा, करोड़ों भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ केमिकल फर्टिलाइजर युक्त भूमि होने के कारण जो खतरा बन रहा था, आज तरल डीएपी, लिक्विड डीएपी, जो सिर्फ पौधे पर छिड़काव के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएगा, इससे भूमि संरक्षण, भूमि को फिर से पूर्ववत करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई किसान धीरे से अपनी आय को कम करे बगैर प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहता है, तो इसको 3 साल का गैप चाहिए। 3 साल का गैप अगर वो करता है तो उसका उत्पादन बहुत कम होता है पहले 2 साल में, परंतु वो तरल डीएपी का, तरल यूरिया का उपयोग करे, नीचे केचुए को बढ़ाना शुरू करे और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, तो 4th साल उत्पादन को कम करे बगैर वो प्राकृतिक खेती पर निर्भर होकर अपनी भूमि का संरक्षण कर सके। क्योंकि प्राकृतिक खेती में बहुत महत्वपूर्ण है कि भूमि के अंदर केमिकल न जाए और केचुओं की मात्रा को बढ़ाएं। जब केचुए बढ़ जाते हैं तो फर्टिलाइजर अपने आप, फर्टिलाइजर का कारखाना अपने खेत के अंदर ही पैदा हो जाता है। और तरल डीएपी और तरल यूरिया के उपयोग से, ये लिक्विड होने के कारण भूमि बहुत कम मात्रा में प्रदूषित होती है, बहुत कम मात्रा में वो केमिकल युक्त होगी, तो बहुत जल्दी से किसान प्राकृतिक खेती की ओर शिफ्ट कर सकता है। मेरा मानना है कि भारत जैसा देश जहां पर 60% आबादी आज भी कृषि और इसके संलग्न व्यवसायों के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे देश में ये क्रांतिकारी कदम आने वाले दिनों में भारत की कृषि को बहुत आगे ले जाएगा, न केवल अन्न उत्पादन, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी,
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा उपयोग होगा। अगर हमें एक बड़ी बड़ी हवाई दृष्टि हमारे फर्टिलाइजर क्षेत्र पर डालनी होती है तो मुझे सहकारिता मंत्री नाते गर्व हो, इस प्रकार का अचीवमेंट हमारी सहकारी समितियों ने फर्टिलाइजर के क्षेत्र में प्राप्त किया है। इस देश में कुल फर्टिलाइजर का उत्पादन 384 लाख मैट्रिक टन हुआ है और इसमें सहकारी समितियों ने 132 लाख मैट्रिक टन उत्पादन किया है और 132 लाख में से अकेले इफको ने 90 लाख मैट्रिक टन उत्पादन किया है। तो भारत की आत्मनिर्भरता में इफको क्रिप्को जैसी हमारी सहकारी समितियों का बहुत बड़ा योगदान है और सिर्फ फर्टिलाइजर उत्पादन नहीं, मास प्रोडक्शन की जगह मास प्रोडक्शन बाय मासिस, ये जो कोऑपरेटिव का मूल मंत्र है, उत्पादन के अंदर इसके मुनाफे के अंदर ढेर सारे लोगों की हिस्सेदारी हो, ये जो सहकारिता का मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र एक जमाने में 70-80 के दशक के बाद माना जाता था सफल नहीं हो सकता, मगर इफको क्रिप्को ऐसी कई सहकारी समितियों ने दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, फर्टिलाइजर का क्षेत्र हो या मार्केटिंग का क्षेत्र हो, अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ, अपने अनुसंधान के साथ साथ और अपनी मार्केटिंग कैपेबिलिटी का परिचय देने के साथ साथ सहकारिता की आत्मा को भी जीवित रखा है और नीचे तक इस स्पिरिट को। आज इफको एक रुपया कमाता है तो इनकम टैक्स बात कर उसके एक रुपये में से 85 रुपया किसानों के पास सीधा पहुंच जाता है। इससे बड़ा कोऑपरेटिव का कोई उदाहरण नहीं हो सकता मित्रों, और ये एक सक्सेस स्टोरी है विश्व के सामने कि कोऑपरेटिव बेसिस पर इतना बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा मार्केटिंग और अब तरल नैनो डीएपी और तरल नैनो यूरिया आने के बाद विश्व में सबसे पहला आज लिक्विड डीएपी नैनो लोकार्पण हुआ है, इसका यश इफको को हुआ। अनुसंधान के क्षेत्र में भी इफको ने लगभग 20 वर्ष का यहां पर पेटेंट रजिस्टर्ड कर समग्र विश्व में जहां जहां भी ये तरल यूरिया और तरल डीएपी बेचे जाएंगे 20% रॉयल्टी इफको को मिलेंगी, 20 साल तक रॉयल्टी इफको को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज मैं जब यहां आया हूं तब हमारे देश में, मैं सारे किसान भाइयों को जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग तरल यूरिया और तरल डीएपी, लिक्विड यूरिया और लिक्विड डीएपी का उपयोग तो करते हैं, नैनो फर्टिलाइजर को आपने स्वीकार कर लिया है, जिस तरह से यूरिया के नैनो वर्जन का खपत हुआ है, परंतु साथ में घन यूरिया, दानेदार यूरिया भी खेत में डालते हैं। इससे न केवल आपकी भूमि का आप नुकसान करते हैं, आपके क्रॉप का भी नुकसान करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई हुई बात है कि जब आप लिक्विड यूरिया और लिक्विड डीएपी का उपयोग करते हैं तब दानेदार डीएपी और दानेदार यूरिया के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। ड्यूअल उपयोग से आप भूमि का भी नुकसान कर रहे हैं, आपके क्रॉप का भी नुकसान कर रहे हैं और अनाज खाने वाले व्यक्ति की सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं। तो कृपया, एक नया अनुसंधान है, मुझे मालूम है कि आदत बदलने में देर लगती है, मगर मैं मानता हूं कि नई चीज को स्वीकारने की क्षमता अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो किसान में है। इसलिए जब ये आप लिक्विड डीएपी और लिक्विड यूरिया को एडॉप्ट करें तब दानेदार डीएपी और दानेदार यूरिया को, घन यूरिया को और घन डीएपी को उपयोग न करें। एक बॉटल आपके एक बोरे के बराबर है, 45 किलो का बोरा और ये 500 ग्राम की बोतल दोनों बराबर है, वजन से मत तुलिएगा इसको।
आपको लगेगा कंधे पर उठाकर लाते हैं और कुर्ते की जेब में डालकर चले जाते हैं, मगर दोनों के गुण एक समान है, उल्टा दो दोरा ये ज्यादा एडवांस। तो मेरी किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि आप दोनों का उपयोग मत करिए। किसान मित्रों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने इस देश में वैज्ञानिक अनुसंधान करना जरूरी नहीं है। ढेर सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में लेबोरेटरी में किए हुए हैं, मगर वैज्ञानिक अनुसंधानों को लैब टू लैंड अप्रोच से खेत में पहुंचाने की जरूरत है और वैज्ञानिक अनुसंधान को लैब टू लैंड अप्रोच से खेत में पहुंचाने में सबसे सफल अगर कोई हुआ है तो मैं निशंक रूप से कहता हूं कि इफको की सहकारिता समिति से। एक ही साल में यूरिया का 3 संयंत्र को चालू कर दिया गया है और 24 फरवरी 2021 को नैनो यूरिया को भारत सरकार ने मंजूरी दी और हम 23 में खड़े हैं। लगभग 17 करोड़ बोतल पैदा करने का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत बड़ी है और अगस्त 21 में इसका पहला मार्केटिंग शुरू हुआ और अगस्त 21 से मार्च 2023 तक लगभग 6.3 लाख करोड़ बोतल पहुंच चुकी है। इसका मतलब 6.3 करोड़ बोतलों को हम देखें तो 6.3 करोड़ यूरिया की थैलियों की खपत को कम कर दिया गया है। एक माने में देखें तो हमारे देश में यूरिया की किल्लत है तो 6.25 करोड़ यूरिया की थैलियों का इंपोर्ट भी कम किया है और हमारा राजस्व इतना बचाया है, फॉरेन करेंसी को इतना बचाया है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और बड़ी सफलता की कहानी है। 2020-21 में यूरिया बैग की खपत 351 लाख मैट्रिक टन थी और 21-22 में 382 लाख मैट्रिक टन आई है। आंकड़े भी बताते हैं कि हमने इसमें सफलता प्राप्त करी है और यूरिया की आयात भी इंपोर्ट भी 7 लाख मैट्रिक टन 21-22 के साल में कम हुआ है। अब डीएपी की बारी है। डीएपी यूरिया के माध्यम से लगभग 90 लाख मैट्रिक टन घन डीएपी का उपयोग कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 18 करोड़ बोतलों का उत्पादन होगा और लगभग 6-8 बोरे प्रति एकड़ में प्रयोग होते थे, इसकी जगह अब ये लिक्विड बोतल से ये बोरों की जरूरत नहीं रहेगी। विशेषकर आलू की क्रॉप को बनाने वाले किसान पंजाब, हरियाणा, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश लगभग 8 बोरे प्रति एकड़ डीएपी का चद्दर बिठा देते हैं। उत्पादन तो बढ़ता है मगर आलू खाने वाले का क्या हाल होता है इसका कोई नहीं सोचता। इससे हम इस चीज से बच पाएंगे और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। नैनो डीएपी को मैंने ढंग से अवस्थी को पूछा भी था जब मैं झारखंड में मिला तब, तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फरस और 50 किलो के पारंपरिक बोरे को एक ही बोतल रिप्लेस कर देगी। इसके ढेर सारे प्रयोग करने के बाद मार्केट में इसको लॉन्च किया गया है। तो बड़ी संतुष्टि की बात है कि किसान जो इफको की ब्रांड पर भरोसा करता है, इसके पास उत्पाद जाने के पहले इसकी खेत में और लेबोरेटरी में दोनों जगह पे इतना कड़ा परीक्षण किया गया है कि जो बात आपकी बोतल पे छपी हुई है वो ही बात आपके खेत में आपको जमीन पर उतरती हुई दिखाई पड़ेगी। ये आज तक का बहुत अच्छा एक प्रयोग आज किसानों के सामने लाया गया है।
एक बड़ा बड़ा अंदाज करें तो यूरिया में लगभग 14% की कमी और डीएपी में शुरू में 6%, बाद में 20% की कमी उपयोग की इससे होगी। इससे देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। पौधों के पोषण में सुधार होगा। हाई एफिशिएंसी जो मिट्टी में मिलकर तत्व, फर्टिलाइजर के तत्व जाया जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, और पोषक तत्वों की आपूर्ति 100% करने के लिए इसके ट्रांसफॉर्मेशन की 100% व्यवस्था लिक्विड होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। मित्रों, एक प्रकार से देखें तो किसानों के खर्च में भी बहुत फर्क आने वाला है। गेहूं में देखें तो 6% खर्च कम हो सकता है, आलू में 20% और गन्ने में 20%। तो ये बहुत बड़ा सुधार है जो जमीन को भी अच्छी करता है, प्रोडक्ट को भी खाने वाली की हेल्थ के दृष्टि से बहुत अच्छा बनाता है, और खर्चा भी कम करता है और सुविधाजनक भी है, क्योंकि पूरे एक ट्रैक्टर में जितना यूरिया आ जाता है इतना एक बक्से में किसान कंधे पर डालकर अपने घर पे ले जा सकता है, कोई ट्रैक्टर की जरूरत नहीं। आपकी पैक्स का पूरा यूरिया एक कंधे पर डालकर इफको के टूर से आपके घर चले जाओ तो चेयरमैन साहब को कोई पूछेगा नहीं ट्रैक्टर कहाँ है क्या है। तो पैक्स के चेयरमैनों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ, इफको का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पर है, तब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इफको ने आगे देखने की जरूरत है। सफलता आलस्य की निर्मिति के लिए नहीं होती है, सफलता संतुष्टि के लिए नहीं होती है, सफलता और परिश्रम करने की प्रेरणा के लिए होती है, और सफलता और आगे कैसे बढ़े इसका आयोजन करना है। और मैं मानता हूं इफको का स्टेज आ गया है। इफको ने अब सहकारिता क्षेत्र में, जब देश के आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय को नया बनाया है, नए सिरे से सहकारिता के क्षेत्र को हम पुनर्जीवित, सुदृढ़ और डायनेमिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त इफको की बड़ी भूमिका मैं देश के सहकारिता मंत्री के नाते देख रहा हूं। मित्रों, सहकारिता क्षेत्र में अनेक विध परिवर्तन हम लाने जा रहे हैं। सबसे पहला, इसके खाके को अगर मजबूत करना है तो पैक्स को मजबूत करना पड़ेगा। हमने तय किया है कि अगले 5 साल के अंदर देश के 2 लाख पंचायतों में नए पैक्स बनाए जाएंगे, जो पैक्स मल्टी डायमेंशनल होंगे। पैक्स के अंदर ही डेयरी होगी, पैक्स के अंदर ही किसानों को कृषि ऋण देने की व्यवस्था होगी, पैक्स के अंदर ही मछुआरा कोऑपरेटिव होगी, पैक्स के अंदर ही इफको की डीलरशिप होगी, पैक्स के अंदर ही सस्ता अनाज की दुकान होगी, पैक्स के अंदर ही कॉमन सर्विस सेंटर होगा, पैक्स के अंदर ही जल व्यवस्थापन की समिति होगी। ऐसे 32 प्रकार के अलग अलग काम हमने पैक्स के लिए किए हैं, निर्धारित किए हैं, और पैक्स के मॉडल बायलॉज राज्यों को भेज दिए हैं। 17 राज्यों ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर दिया है और एनडीबीबी के साथ मिलकर ये डेयरी वाला पैक्स, जो मल्टी डायमेंशनल पैक्स है, अभी पैक्स 3 मतलब प्राइमरी सोसाइटी हमारी 3 प्रकार की प्रमुखता है। एक तो विविध उपयोगी होती है, एक मछुआरा की होती है, एक आर्थिक रूप से किसानों को ऋण देने वाली होती है, और एक डेयरी होती है। चारों पैक्स एक ही पैक्स में समाहित हो जाएंगे और उसको मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे तो पैक्स वायबल भी होंगे, पैक्स की इनकम भी बढ़ेगी और सारी चीजें कोऑपरेटिव के थ्रू होगी। तो अपने आप में कोऑपरेटिव क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है। आज भी भारत में एक दृष्टि से सर्वे करें तो 80% लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, और हम इसको साच अर्थ में बहुआयामी बनाने जा रहे हैं। इफको ने ये पूरी कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभव का, अपनी तजज्ञता का और अब तक सफलता का जो आत्मविश्वास आपने प्राप्त किया है, ये तीनों को
कोऑपरेटिव के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। इफ्को ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बढ़ोतरी, उत्पादन पोर्टफोलियो में जैसे अभी आपने किया है इस प्रकार की डाइवर्सिटी, स्टेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करना, कैपेसिटी बिल्डिंग और R&D, इतने क्षेत्रों में अगर इफ्को आने वाले 10 साल के अंदर काम करता है तो इफ्को न केवल फर्टिलाइजर, ढेर सारे क्षेत्र के अंदर हमें देश को कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसानों को कंट्रीब्यूट कर सकता है। भारत सरकार ने जो 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, एक जैविक उत्पादों को उत्पादन की टेस्टिंग और मार्केटिंग के लिए एक ही ब्रांड से ऑर्गेनिक फूड्स मार्केट में हम लाएंगे, दूसरा हमने बनाया है बीज के उत्पादन के लिए रिसर्च डेवलपमेंट और बीज की मार्केटिंग के लिए, ये तीनों हमारी जो बहुराज्यीय सहकारी समितियां है इफ्को इसमें इसका पायोनियर इन्वेस्टर है और हम चाहते हैं कि इफ्को का जो अनुभव है इसका फायदा ये तीनों समितियों को मिले। आज मैं यहाँ इफ्को के चेयरमैन श्रीमान दिलीप संघाणी जी, वाइस चेयरमैन साहब और अवस्थी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ देश भर के किसान और बड़ा इफ्को परिवार, इन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज जो इफ्को नैनो DAP, जो लिक्विड DAP नैनो DAP इफ्को ने मार्केट में रखा है, वो आने वाले दिनों में भारत के कृषि क्षेत्र में आमूल चूर परिवर्तन लाएगा और किसानों की समृद्धि के अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा, जमीन के संरक्षण में भी फायदा होगा और उत्पादन के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के उत्पादन के क्षेत्र में भारत को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।